नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सट्रूजन के बारे में समझाने वाला हूँ। एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताएंगे और एक्सट्रूजन क्या है इसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट है एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन जो है, एक्सट्रूजन है जो, एक्सट्रूजन हमारी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, तो जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है वो हमारी एक्सट्रूजन कहलाती है, जिसमें दैट कंसिस्ट फोर्सिंग द बेस मेटल। उसमें क्या है कि जिस मेटल की हमको एक्सट्रूजन करना है, जिस मेटल को एक्सट्रूड करना है, वो हमारा बेस मेटल होगा, जो कि प्री सेप डाई, हम सिलेंडर होगा, सिलेंडर के अंदर केविटी और उसमें एक प्री सेप डाई है जो बनी होगी। तो प्री सेप डाई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक शेप मीन्स द एक्सट्रूजन इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दैट कंसिस्ट फोर्सिंग द बेस मेटल। हम किसको फोर्स करेंगे? बेस मेटल के लिए। किससे? प्लंजर या रैम की सहायता से, थ्रू ए प्री शेप डाई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक शेप। और हम जो हमारा ऑब्जेक्ट डाई का शेप होगा, उस स्पेसिफिक शेप में हम उसको एक्सट्रूड कर लेंगे। जब हम मेटल को पास करते हैं थ्रू द डाई, इट्स शेप चेंज इनटू द डाई शेप मीन्स जब मेटल हमारा डाई से पास होगा, जब उस पर प्रेशर लगाएंगे प्लंजर से, तो जब उससे एक्सट्रूड होके बाहर निकलेगा तो ये डाई के आकार में आ जाएगा, डाई का रूप ले लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूजन। ये हमारी मेथड है जो प्रोसेस है वो एक्सट्रूजन कहलाती है। एक्सट्रूजन हिंदी में भी है। एक्सट्रूजन एक मेटल फॉर्मिंग प्रक्रिया है जिसमें हम गर्म धातु को सिलेंडर केविटी में रखकर प्लंजर या रैम द्वारा बल लगाते हैं, जिससे यह डाई से पास होकर बाहर निकलता है और डाई के आकार में आ जाता है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन या टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन या टाइप्स में यदि हम बात करेंगे तो हमारी डायरेक्ट एक्सट्रूजन, हार्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस होती है, मेथड होती है जिसमें हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस आती हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में आपको डायग्राम है जो, ये हार्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस का डायग्राम है। हार्ट डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस है जो, इसका डायग्राम है। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या है कि हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारा क्या है? बेस मेटल, जिसको हमको एक्सट्रूड करना है, ब्लैक कलर का वो बेस मेटल हमने उसके अंदर रख दिया। और इसमें जो रेड कलर में है वो हमारी डाई है, रेड कलर में जो शेप है वो हमारी क्या है? डाई। तो जब हम इसमें रैम से, प्लंजर है या इसको हम रैम भी बोलते हैं, इस पे हम बल लगाएंगे, प्रे फोर्स लगाएंगे, तो इसको फोर्स करेंगे तो जो हमारा गर्म बेस मेटल है ब्लैक कलर का, ये क्या होगा? दबेगा और डाई के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो डाई से बाहर पास होगा। ठीक है, तो जब ये हम कंप्लीट इसको क्या करेंगे? फोर्स करेंगे, तो प्लंजर फोर्स होगा जिस डायरेक्शन में हमारा मेटल एक्सट्रूड होकर निकल रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो ये हमारा ब्लैक कलर का एक्सट्रूड मेटल डाई से पास होकर डाई के शेप में ये पाइप जैसा बन के बाहर निकल आएगा। तो ये डायरेक्ट हार्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। द हार्ट मेटल ब्लेड, मेटल ब्लेड को हम मेटल इनगोट भी बोल सकते हैं या बेस मेटल बोल सकते हैं, जिसको हमको एक्सट्रूड करना है, प्लेस्ड इन द कंटेनर एंड फोर्स थ्रू द डाई विद प्रेशर बाय हाइड्रोलिक प्लंजर या रैम। मीन्स बेस मेटल को हमने डाई में रखा, ठीक है, हार्ट मेटल को हमने कंटेनर में रखा, इसके बाद हमने क्या किया? प्रेस किया थ्रू डाई। तो ये प्रेशर से जब हम प्लंजर से बल लगाएंगे मशीन से, तो प्रेस होगा, तो ये हमारा क्या होगा? बाहर एक्सट्रूडेड मेटल निकलेगा। तो द एक्सट्रूडेड मेटल कम्स आउट फ्रॉम डाई ओपनिंग। तो जो डाई का खुला हुआ हिस्सा है वहां से हमारा एक्सट्रूड होके जो हमारा मेटल है वो बाहर निकल आएगा। दिस एक्सट्रूजन प्रोसेस द फ्लो ऑफ मेटल। यह जो हमारी डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस है, इसमें मेटल का जो फ्लो होता है थ्रू द डाई इन द सेम डायरेक्शन एज द रैम मूवमेंट। तो जिस डायरेक्शन में हमारी रैम या प्लंजर का मूवमेंट होता है, उसी डायरेक्शन में हमारे क्या है? मेटल एक्सट्रूड होके बाहर निकलता है या बाहर की ओर
फ्लो होता है, तो ये हमारी कहलाती है डायरेक्ट एक्सट्रूजन। डायरेक्ट में ये ध्यान रखना है कि मेटल उसी दिशा में फ्लो होता है जिस दिशा में हमारा प्लंजर पे फोर्स लगता है, तो हमारा ये एक्सट्रूड होके बाहर निकल आता है, जिससे हम पाइप या राड बनाना है मेटल्स की, या पाइप्स बनाना है, या कोई होलो शाफ्ट बनाना है, तो ये हम इस तरह के प्रोडक्ट या कंपोनेंट हैं जो एक्सट्रूजन से आसानी से बना सकते हैं। सेकंड है इसमें इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का डायग्राम है, तो इनडायरेक्ट मीन्स इसमें जो है ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है। जो हमारी डाई है वो हमारी डाई क्या है, होलो डाई है, ठीक है, और जो हमारा प्लंजर है वो होलो है, ठीक है, प्लंजर जो है रैम वो क्या है, होलो। तो इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द रैम यूज इज होलो एंड द डाई इज माउंटेड ऑन द बोर ऑफ द रैम। तो इसमें जो हमारी रैम है उसको हम खोखली रैम होती है, होलो रैम होती है, उसके अंदर होल बना होता है, और जो हमारी डाई है वो हमारी माउंट होती है इसके बोर पे रैम के। तो यह प्रोसेस ब्लेड रिमेंस स्टेशनरी, यह जो प्रक्रिया है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इसमें जो हमारी ब्लेड है या जो मेटल इनगोट है वो हमारा क्या है, स्थिर है, हमारा कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, वो क्या है, स्टेशनरी मतलब स्थिर। वाइल द डाई इज पुश्ड इनटू द ब्लेड बाय होलो प्लंजर, जबकि हमारी डाई है जो ये हमारी क्या करती है, पुश करती है किसके लिए, मेटल को कहाँ से, होलो प्लंजर जो खोखला प्लंजर है उसके अंदर से पास होती है होलो प्लंजर से। तो इसमें जैसे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं किसमें, लेफ्ट साइड में सिलेंडर के अंदर, तो जो हमारा बेस मेटल ब्लैक कलर का है वो ये होलो प्लंजर के अंदर से राइट साइड की ओर एक्सट्रूड होके लंबा होता जा रहा है और बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो गए कि ये इस तरफ फ्लो हो रहा है और फोर्स प्लंजर पे इस तरफ लग रहा है। तो दिस प्रोसेस मेटल फ्लो अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द रैम। ये जो प्रक्रिया है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इसमें जो हमारा मेटल है ये हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, रैम मूवमेंट की। रैम हमारी राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रही है और एक्सट्रूडेड मेटल हमारा लेफ्ट से कहाँ जा रहा, राइट की ओर जा रहा है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन, हमारी जो एक्सट्रूजन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये कहाँ पे अप्लाई होती है, तो जो एक्सट्रूजन है, एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉड्स, जो हमारी रॉड्स होती हैं वो एक्सट्रूजन से बनाते हैं। टिप्स, टिप्स भी हमारी किससे, एक्सट्रूजन प्रक्रिया से बनती हैं। सर्कुलर, स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड अदर शेप होलो एंड साइलेंट पार्ट्स आल्सो मेड बाय एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसमें हम सर्कुलर शेप के, स्क्वेयर शेप के, रेक्टेंगुलर एंड अदर शेप के होलो या साइलेंट पार्ट्स हैं जो एक्सट्रूजन प्रक्रिया से बना सकते हैं। थैंक यू।